नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से शांत है, क्योंकि इस बीच रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान और मोदी सरकार द्वारा सदन में पेश किया गया बजट मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री का मामला तब ज्यादा गर्माया था जब एक समाज सेवी संस्था ने आरोप लगा दिया था कि धीरेन्द्र शास्त्री लोगों में अंधविश्वास फैला रहे हैं। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री अपने दरबार में आए लोगों की समस्याएं बिना बताए जान लेते हैं और उसका समाधान बता देते हैं। इसी को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक माइंड को पढ़ने की कला है या फिर सोशल मीडिया से कुछ विशेष लोगों की जानकारी इकट्ठी की जाती है और उन्हीं लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री बुलाकर उसके बारे में बताकर सबको चौंका देते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये सनातनियों और उनकी आस्था पर प्रहार है। खैर, बहुत से लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। इसी बीच धीरेन्द्र शास्त्री अब प्रयागराज पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री की एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को कैंसर बता दिया है। जी हां, आपको पता है कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी इन दिनों रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर चर्चाओं में छाए हुए हैं। इससे पहले उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को भी पाखंडी और अंधविश्वास फैलाने वाला कह दिया था। मौर्य के इसी बयान पर जवाब देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने जोरदार हमला किया है। शास्त्री ने जी न्यूज के साथ बातचीत करते हुए कहा, अगर अपने बाप को बाप कहना अंधविश्वास है तो उनसे बड़ा कोई अंधविश्वासी नहीं। इसी पर एंकर ने उनसे पूछ लिया कि क्या आप यह स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कह रहे हैं। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया, बिल्कुल, कैंसर से ज्यादा खतरनाक है वो आदमी जिसने भी यह बोला उनके लिए। नाम किसी का स्पेशली नहीं लेंगे, जिन्होंने बागेश्वर धाम को अंधविश्वास बोला कैंसर से ज्यादा खतरनाक है वो आदमी, तीसरे स्टेज पर पता चलेगा। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, 2029 तक सबके सहयोग से हम बुंदेलखंड में कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। ऐसे कैंसर लोगों के लिए ही बागेश्वर धाम में दवा और दुआ दोनों मिलेगी। जो सनातन और रामचरितमानस पर उंगली उठाएंगे उनका कैंसर ठीक करने के लिए ही बागेश्वर बाला ने हम पर कृपा भेजी है। अब ऐसे लोगों को तय करना है कि उनको इंजेक्शन से ठीक होना है या डॉट 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 से। शास्त्री ने आगे कहा, उन्हें सिर्फ सनातन में अंधविश्वास दिखता है। हनुमान चालीसा क्या अंधविश्वास है और उनके कहने से क्या रामचरितमानस की चौपाइयां बदल जाएंगी? ये सस्ती लोकप्रियता पाने का ढंग है। भारतीय जनता को ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसा बोलने की जरूरत ना कर सके। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं, ऐसे लोग दूसरे पंथ से ज्यादा खतरनाक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें करारा जवाब दिया है। वैसे आप धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।